यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोष ए बराबर कोष बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो इंग्लिश में देखते हैं इफ कोण यानी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहते हैं न्यून कोण, डेट कोस ए कोस बी देन सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप ये भी देखो कि आप इंग्लिश भी देखोगे हिंदी भी देखोगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी मैथमेटिक्स में। आप इधर देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, इसका जो मैंने सी कोण लिया है वो मैंने 90 डिग्री ले लिया है, इसके बराबर 90 डिग्री, लेकिन उसने क्या कहा है कोण ए और कोण बी 90 डिग्री से छोटे ही न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हल करा है, ये मैंने मान लिया है, ये चीज तो उसने दी है और ये 90 डिग्री मैंने मान लिया है। अब देखेंगे त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया है, अब देखेंगे जो उसने दिया है हमें क्या दिया है, जो उसने दिया है क्या दिया है, उसने साफ साफ कहा है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब आप बताओ कोस क्या होता है भाई, आधार बटे करण होता है, तो आधार बटे करण, और ये भी क्या होता है आधार बटे करण। अब आप जरा ये देखो ये कोण ए में है और ये कोण बी में है, तो अलग अलग आधार और लंब चेंज होते हैं, आपको पता है मैंने बहुत अच्छे से बताया, जिसको नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाइए मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट ऑन कीजिए और वहां पर आप देख लो कि कैसे करते हैं कि कोण ए के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कोण बी के लिए क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से मैंने कराए हुए हैं। तो आधार यहाँ ए के लिए आधार है ए सी, ठीक है, और करण है, करण कभी चेंज नहीं होता, तीनों एंगल के लिए करण सेम रहता है, और इसमें आधार है इस कोण के लिए है बी सी, क्यों है वो मैंने समझाया हुआ है आप देख लेना, और करण चेंज नहीं होता क्या है AB। तो ये क्या हो गया AC अपॉन AB बराबर BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, क्या हो गया AC बराबर BC, ठीक है। अब ये आपकी दो भुजा त्रिभुज की बराबर आ गई, तो ये तो सभी को पता है जब किसी त्रिभुज यानी यहां पे क्या त्रिभुज है ABC त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं क्या होगी बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे कोण, क्योंकि भाई कोण क्या, कोण ए और बी क्या है सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण भी क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं, ये तो आप सभी को पता है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप सभी को पता है, नाइन्थ में बताई थी। तो कोण ए इक्वल टू कोण बी हो गया, इनका आठ सवाल मैं करा रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखो ये दे रहा है यदि तीन कोट बराबर चार तो जांच कीजिए वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि इसके बराबर है या नहीं वो बताना है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं इंग्लिश में है इफ थ्री कोट ए इक्वल टू फोर चेक वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस यस हो रहा है यहाँ, यस कर लेना बुक में, यस नहीं है शायद आपके पास, यस और नॉट, ठीक है या नहीं। तो ये सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड टेंथ क्लास के सभी बोर्डों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जो कहते बात पूछे गए, अभी तो मैं पूरी एक्सरसाइज करा रहा हूँ फिर मैं मोस्ट और करा दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको थ्री कोट ए इक्वल टू चार है तो जो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है उसे हम क्या करेंगे इसके बटे में ले लेंगे, तो क्या हो गया ये हो गया कोट ए बराबर चार बटे तीन, ठीक है। अब जरा हम वही अपने बनाने की जरूरत तो होती नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बना देता हूँ ए बी सी, वरना डायरेक्ट भी आ जाता है भाई कोट क्या होता है, कोट होता है लाल बटे कका का उल्टा यानी आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो ये आधार है ये लंब है और ये करण है, तो ये देखो ये तो दे रखा है आधार चार दे रखा है,
लंब कितना दे रखा, 3 दे रखा है, ठीक है। तो क्या नहीं है आपका, करण नहीं है यानी एसी नहीं है। तो एसी बराबर ये लिख लो आप, ए बी बराबर दे रखी है और ये बी सी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, करण बराबर अंडर रूट क्या हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखो जब मैं बोर्ड से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 चौक 16, 3 दिया 9, क्या हो गया 25 हो गया, 25 का क्या आ गया 5 आ गया आपका एसी, एसी कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको तीनों भुजा आपकी पता चल गई है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ये तो पाइथागोरस त्रिकोण लगा करके हम तीनों भुजा प्राप्त कर लेते हैं त्रिभुज की। इसमें ये 90 डिग्री मान के मैंने एक चित्र बना लिया, सीधा सीधा आप चित्र नहीं भी बनाओगे तो भी बस लंब आपको लंब दे रखा और आधार दे रखा, करण डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। अभी मैं चलता हूं आपका जो इसने प्रश्न पर, मैं आता हूं इसमें कोट कोस और साइन, पहले इन्हीं को लिख लो, ठीक है। अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन को आपको पता है कोट का उल्टा होता है, वैसे भी बीसी अपॉन एसी, सॉरी एबी, अगर ऐसे मैंने सोचो तो सोचो लंब बटे आधार, तो क्या हो गया 3/4 आ गया आपका, क्या आ गया 3/4 आ गया। कोट को उल्टा कर दिया, साइन साइन क्या आ गया, साइन को देखेंगे जरा, साइन आ गया आपका क्या होता है लंब यानी बीसी बटे करण यानी 3/5 आ गया, ठीक है 3/5 आ गया। अब अगर मैं बात करूं कोस की, तो कोस क्या हो गया, अब देखो ये सब किस चीज में चल रहे, एक में याद रखना इसको, जरूर ध्यान रखना कौन से एंगल पे उसने पूछा है। तो अब आप देखेंगे कोस ए बराबर, तो कोस ए का वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कोस क्या होता है आधा यानी ए बी बटे ए सी यानी 4/5। अब आपने तीनों की वैल्यू पता चल गई है ना, जो जो फंक्शन में, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टेन की वैल्यू देखो 10 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे 1 माइनस 3 दिया 9 4 चौक 16, ऐसे यहाँ 1 प्लस 3 दिया 9 4 चौक 16। अब देखो एलसीएम लेना तो सभी को आता ही है, यहाँ देख लो, तो आप एलसीएम ले लेंगे इसका, देखेंगे जरा 16 एकम 16 माइनस 9 बटे 16 बटे 16 प्लस 9 बटे 16, तो आप देखो जरा 16 से 16 कट गया, कितना 16 में से 9 गए 7 और 16 और 9 25, तो 7/25 आपका एक आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, अब निकालते हैं हम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड देखो जरा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर देखेंगे कोस की वैल्यू जो हमने निकाली थी, जरा देखेंगे कोस की वैल्यू कितनी थी, तो कोस की वैल्यू थी, मैं निकाल लेता हूँ कोस की वैल्यू, तो जो अभी अभी निकाली थी यानी आधार बटे यानी 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। साइन की क्या निकाली थी, मैंने निकाल के रखी थी ना, तो साइन की निकाली थी 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी भर सकते हो, लेकिन आप 10th क्लास में कर रहे हो तो नियम के अनुसार करो, आराम आराम से धीरे धीरे, ठीक है। और बस गलती नहीं करनी है, 4 × 16 और 5/25 माइनस 3 किया 9 और 5/25, अब एलसीएम तो एक है 16 में से 9 गए तो बचे 7/25 आ गया। अब आप देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर सही है, एक से आए ना, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस यस यह सही है, ठीक है। ये पूछा ना है या नहीं, तो ये सही है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, देखो इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर determine the values of sin p, cos p and tan p, ठीक है। तो CBSE बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले 10th क्लास वाले बहुत ही गौर से देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी बोर्डों के लिए इंपोर्टेंट है, वैसे तो एनसीईआरटी है। देखो आप जरा, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसमें क्या क्या है, PQ एक त्रिभुज है जिसका कोण Q क्या है, समकोण है यानी राइट एंगल है, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो
तो आप जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब देखो पी क्यू जो दिया है इसने, पी क्यू वो दिया है 5 सेंटीमीटर, देखो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और दूसरा इसने जो दिया है वो दिया है आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर लगा दोगे भाई, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जरा बोल देंगे पी आर स्क्वायर, पी क्यू का मान दे रखा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अगर मैं इसे इधर ले जाता हूं तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5×25। ये आप ध्यान से देखेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हमने फॉर्मूला करा अपना, क्या हो गया पी आर प्लस क्यू आर दूसरा ई आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू इसने दी हुई है कितनी, 25 दी है, इसकी जगह रख देंगे 25 और पी आर प्लस माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अगर पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 खत्म हो गया। अब जरा आगे देखेंगे, इससे आगे नहीं, इसे साफ कर, चलो इसे नहीं यहां कर देता हूं, ठीक है। अब जरा आगे देखो, हमारे पास इक्वेशन आ गई पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, सभी का फर्स्ट एक इसने दी हुई है, इसके नीचे लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण सही है, इक्वेशन सही है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां पे लिख देंगे समी का फर्स्ट वे सेकंड को जोड़ने पर, जब जोड़ दोगे तो ये क्या आ गया 2PR, ये कट गया ना माइनस प्लस बराबर 26 और PR बराबर 26/2, कितना आ गया PR आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, तो PR आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब PR बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया, अब हम देखो दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे, सभी का फर्स्ट में डाल देंगे PR की वैल्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, तो जब हम लोग हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे पी आर माइनस सॉरी ये रख रहे हैं ना 13 माइनस क्यू आर बराबर फर्स्ट, तो क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, ठीक है, क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, यानी एक में से 13 लेस कर दो, ये माइनस है यहाँ पे माइनस, तो क्यू आर बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कर दिया तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्यू आर इक्वल टू आ गया हमारा 12, तो क्यू आर की जगह डाल देंगे हम 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है इसकी जो उसने पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमको जब सारी मुझे मिल जाती है तो वैल्यू निकालनी आसान है, और ऐसे ही अब हमारी तीनों साइड मिल गई है ना, तो हमें देखना है जो उसने पूछा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन पी इक्वल टू, अब साइन क्या होता है लंब बटे करण, तो क्या हो गया क्यू आर या पी आर, तो आर क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। अब क्यू आर कितना है 12/25 हो गया, पहला आंसर आ गया हमारा। फिर उसने पूछा है कोस पी, तो कोस पी क्या है, कोस पी है पी क्यू बटे पी क्यू बटे पी आर, कितना हो गया, यह हो गया आपका 5/5/13, ठीक है। अब आपसे पूछा है उसने अगला टेन पी, क्या पूछा है टेन पी पूछा है, तो टेन पी क्या हो जाएगा, टेन पी इक्वल टू, टेन पी क्या आया, टेन पी क्या होता है आर क्यू यानी लंब बटे आधार पी क्यू यानी 12/5,